ये हम सब लोग जानते हैं कि माघ मेला एक बहुत ही महत्वपूर्ण मेला है, जिस जो कि जहाँ पे भारी संख्या में श्रद्धालु आते हैं स्नान करने के लिए। तो उसके लिए ऑलरेडी सारी तैयारियाँ जो जेआरपी को करनी थी वो पूरी कर ली गई हैं। आज मैं यहाँ बेसिकली जो आया हूँ वो तैयारियों को एक बार देखने के लिए, उसको रिव्यू करने के लिए आया हूँ। तो अभी मैंने प्रयागराज जंक्शन पे एक पूरा राउंड लिया, जो जो अरेंजमेंट्स हुए हैं वो देखा, तो बड़े अच्छे अरेंजमेंट्स ऑलरेडी हैं यहाँ जो है। जैसे कि आप सभी लोग जान रहे हैं कि यहाँ जब भी लोग आते हैं यात्री, उनकी सुविधा के लिए 4 होल्डिंग एरिया, जिनको कि बाड़े भी कहा जाता है, वो बने हुए हैं, ताकि जब यात्री आए और उनको ट्रेन में बैठने में थोड़ा समय लग रहा है तो वो उस एरिया में बैठ सकें। वहाँ पे पानी की व्यवस्था, टॉयलेट्स की व्यवस्था, मेडिकल फैसिलिटीज़ की व्यवस्था है, ताकि वो अच्छी बड़ी सुविधाएँ हैं वहाँ पर, वो आराम से वेट कर सकें, ताकि जब उनकी ट्रेन लगे तो वो अपने एक अलग रूट से जाके अपनी ट्रेन में बैठ के अपने गंतव्य स्थान पर जा सकें। और जो एक्स्ट्रा फोर्स यहाँ अलॉट हुआ है जनपदों, अन्य जनपदों से या अन्य अनुभागों से, तो उसके रहने के लिए भी व्यवस्था का आकलन मैंने किया। तो उन सबके लिए मेसिंग, अलग से मेस चल रहा है, अलग से उनके लिए एक टेंट सिटी बनाया गया है, जहाँ पे वो लोग रह सकें और अपनी ड्यूटी अच्छी तरीके से कर सकें। हाँ, जैसे मैंने आपको अभी पहले भी बताया कि जो मुख्य स्थान पर है उसमें जब भीड़ ज़्यादा आ जाती है, और ट्रेन क्योंकि एक पर्टिकुलर स्पीड से ही प्लेटफॉर्म पे लगती है और उसमें बैठने का कुछ समय लग सकता है, तो उसी के लिए आप सबको पता ही है कि ये जब पिछली बार 2019 में कुंभ मेला हुआ था तो ये 4 होल्डिंग एरियाज प्रयागराज जंक्शन पे बने थे, जिसकी हर की कैपेसिटी करीब 4 से 5 हज़ार यात्रियों को रोकने की है। तो ये उसी भीड़ को हैंडल करने के लिए एक व्यवस्था है कि जब अगर ज़्यादा भीड़ आ जाए और ट्रेन में ऑलरेडी प्लेटफॉर्म पे दूसरी ट्रेन लगी हुई है जिसमें लोग बैठ रहे हैं, तो उनको उस एरिया में सुविधाजनक रूप से वो लोग बैठ सकें, वेट कर सकें। बेसिकली हम लोग का एक कोशिश ये रहेगी कि जो भी यात्री श्रद्धालु आ रहा है उसको हम लोग जो भी सुविधा प्रदान कर सकें, ताकि उसको किसी तरीके की असुविधा नहीं होनी चाहिए। वो एक श्रद्धा के लिए यहाँ पे स्नान करने आ रहा है, तो वो होल्डिंग एरिया जो बना है वहाँ पे, जैसा मैंने पहले भी बताया कि वहाँ पे पीने के पानी की व्यवस्था है, टॉयलेट्स की व्यवस्था है, मेडिकल फैसिलिटी की व्यवस्था है, वहाँ पे हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि भी कुछ खान पान के भी वहाँ वेंडर्स अवेलेबल रहें, ताकि किसी आदमी को पैसा दे के अगर कुछ खाना खरीदना हो तो उसकी भी सुविधा वहाँ रहे, ताकि उसका जो वेटिंग पीरियड है, कुछ वेटिंग पीरियड तो निश्चित रूप से रहता ही है कि एक ट्रेन से बाद दूसरा रैक लगने में समय लगता है, तो वो वेटिंग पीरियड उसका कंफर्टेबल रहे, ताकि उसको वो उसका जो एक एक्सपीरियंस है वो अच्छा एक्सपीरियंस रहे। देखिए, मैं इस चीज़ को बड़ा क्लियरली बताना चाहूँगा कि ये कुछ लोग ऐसे जो गैर कानूनी कार्य करते हैं उनके लिए हम लोग सख्ती से कार्रवाई अभी भी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, पर माघ मेला में हमारी प्रायोरिटी है जो आम श्रद्धालु आ रहे हैं, जो कि लाखों की संख्या में आ रहे हैं, उनकी सुविधा, उनको रहने में दिक्कत ना हो, उनको ट्रेन बोर्ड करने में दिक्कत ना हो, उनको ट्रेन से उतरने में दिक्कत ना हो, तो हमारी टॉप प्रायोरिटी वो श्रद्धालु हैं। ये 2-4-5 लोग जो इस तरीके के गैरकानूनी काम कर रहे हैं उसके लिए तो हम लोग लगे हुए हैं, हमारी टीमें लगी हुई हैं, और अगर कोई ऐसा आदमी जानकारी में आता है तो उसके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जाएगी।